आज सीएम की जितनी भी एम बैठके हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं सहायता समूहों को जो सौगात आज सीएम देने जा रहे हैं। 97,663 स्वयं सहायता समूहों को आज सौगात मिलने जा रही है। लगभग 445 करोड़ रुपए की सौगात आज सीएम योगी उन्हें देने जा रहे हैं। इसके बाद शाम 4 बजे वर्चुअल संवाद के जरिए सीएम योगी इन लोगों से जुड़ेंगे और उनके बैंक खातों में सीधे ये धनराशि डाली जाएगी। लगभग 445 करोड़ रुपए की सौगात और लगभग 98,000 स्वयं सहायता समूहों को ये मिलने जा रही है। शैलेश हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। शैलेश, आपने पहले भी चर्चा में जिक्र किया कि खास तौर पर कोरोना काल में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो आगे किस तरह इनको इंपावर करने की योजना है योगी सरकार की? काफी पैसे खर्च कर रही है सरकार, 445 करोड़ रुपए लगभग सीधे अकाउंट्स में जाएंगे इन सभी स्वयं सहायता समूहों के। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इनको जो ये पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है इनको एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है, और इन स्वयं सहायता समूह में अगर देखिए तो बड़ी संख्या जो है वो महिलाओं की है, तो एक तरह से जो ये मिशन शक्ति सरकार का चल रहा है तो कह सकते हैं कि इसे मिशन शक्ति से अगर जोड़कर देखें तो देखिए किस तरह से महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, एक ये पहलू भी इसका है। दूसरी तरफ जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि इस बार सरकारी स्कूलों में जो यूनिफॉर्म बांटी गई, अगर सभी सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1,60,00,000 छात्र छात्राएं हैं जिनको यूनिफॉर्म दी जाती है, दो दो यूनिफॉर्म, और इनमें से अगर सरकार के दावों को देखें विभाग की माने आंकड़ों की तो 1 करोड़ से ज्यादा यूनिफॉर्म जो है वो अकेले स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। तो आप देखिए किस तरह से एक तरह से इनको यहाँ पर एम्पावर किया गया, उन्हें रोजगार का माध्यम दिया गया। दूसरा अगर बात करें तो हस्तशिल्प से जुड़े और भी बहुत से काम हैं जिनमें इन स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा रही है, लगातार सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और इसी क्रम में आज इनके खातों में 445 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 4 बजे ये कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें ग्राम विकास मंत्री जो है राजेंद्र सिंह मोती सिंह वो भी मौजूद रहेंगे, जो राज्य मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअल संवाद भी करेंगे इन स्वयं सहायता समूह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी वर्चुअल संवाद किया जाएगा और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा, जो अब तक उनसे काम लिया जा रहा है, जो उनको सहायता दी जा रही है, इन सभी चीज़ों पर, और फीडबैक इस बात का भी कि आगे उन्हें किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, क्या किसी तरह की कोई अभी उन्हें और दिक्कत तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कार्यक्रम में काफ़ी अहम होंगी।